दिवाली का अगला दिन जमघट कहते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं जमघट है या नहीं है। गुरु भाई ये देखिए, दिल्ली हमारे गए थे गुरु भाई, और ये कलेक्शन देख लीजिए पहले आप। ये पत्तू की पतंग लड़ रही है शायद मोगली से, सही है ना? परिवार की पतंगें लड़ती हैं। हाँ हाँ, 20 से 22 साल पुरानी पतंगे। अच्छा अच्छा, और ये जमघट के दूसरे दिन लड़ती है, दो दिन लड़ती है पतंगे। हाँ, कलर यही रहते हैं, फुल डग्गों का, ऑल टोटल फुल कलर सब डग्गे। डग्गे मतलब हम लोग जो बचपन में पुछियल कहते थे उसे ये डग्गे कहते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये हमारे बाटू भाई, ये पत्तू भाई के भाई हैं। और पतंग देखिए कितनी खूबसूरत, अलग अलग। हाँ सब कलर दिखा दो भाई, एक एक चौका। हाँ एक एक नहीं, बहुत बढ़िया। कलर देखिए, बस देखने वालों को बहुत मजा आ रही होगी, जितने लोग हमारे देखेंगे वीडियोस में। जरूर जरूर। हाँ अच्छा, साजिद भाई का बहुत प्यारा, बहुत प्यारी पतंग भी लग रही है, क्या बात है। हाँ ऐसे फहरा दीजिए, धूप भी लग जाएगी, वीडियो भी बन जाएगी। ये देखिए खूबसूरत पतंग, ये देखिए रखी हुई पतंग, हवा देखिए। अमूमन मैंने कहा ये देखिए क्या बात है, ओरिजिनल है भैया, लूट लेना। ये देखिए क्या बात है, हम आए और हवा लेके आए आप लोग के लिए। सही है सही है। हाँ हवाएं हैं, मैंने कहा कि अमूमन ऐसा होता है कि दिवाली के अगले दिन हवाएं मिलती नहीं है। तो ये पतंगे आपने देखी, ये देखिए, ये देखिए क्या कलर है, वाह बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ये हमारे नीरज भाई के आपकी पतंग है, नीरज भाई के, रेड हीरा लाल के चेले हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी पतंग बनाते हैं, क्या आप कलर एक नंबर जो। ये वाली बाटू भाई हमें दिखा रहे, क्या बात है। संजीव भाई को देंगे हम पतंग, शुक्रिया भाई, जो आपको समझ में वो ले लिया। अरे नहीं वो तो है, ये कितनी उड़ाता हूँ बाटू भाई, आप जानते ही हैं। आपको रखना, ठीक है ठीक है। तो ये पतंगे आप देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग आए हुए हैं अय्यागंज में, और पत्तू के आए हैं। पत्तू की पतंग लड़ती है हर साल, कई सालों से बुला भी रहे थे लेकिन किसी वजह से। ये देखिए डेंजर, बहुत ही सुंदर पतंग है, मनोज भाई की पतंग है भाई, बढ़िया कारीगर, बड़े का नीरज। नीरज कौन है नीरज? अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया, ठीक है। ये हमारे पत्तू, पत्तू की पतंग लड़ रही है, और क्या स्कोर चल रहा है सुबह से? क्यों, किससे लड़ रही है? मोगली से। कौन कौन है उधर और खिलाड़ी? सब बढ़िया खिलाड़ी भाई हैं। हाँ हाँ हाँ। और आपस ही की पतंग लड़ रही है, क्या बात है। वो देखिए 7 साल पुरानी पतंग, बहुत प्यारा। तो चलिए पेज की तरफ अब चलते हैं, हम लोग ने बहुत खूबसूरत पतंगे देख ली। हाँ बहुत अच्छा ये दिखाया मैंने, चलिए पेज की तरफ। पत्तू अपनी पतंग बना रहे, आज के पहला पेज देख रहे हम लोग, गुरु भाई की पतंग ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर, लेफ्ट साइड पेज की रेंज 400 मीटर। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से अंदर की तरफ चलते जा रहे हैं, और नीचे ओपोनेंट हमारे हैं। देखिए ये गद्दा रखा, गद्दा रखा, बाहर का गद्दा किया, एक पतंग जा रही है, उन्होंने खड़ा खींचा, गुरु भाई डबल खींचते चले जा रहे हैं, लेकिन उनकी पतंग घूम के अंदर आई आपने देखा। और बढ़िया ये पेच काटा है हमारे, किसने? जिशान भाई ने, सुशील भाई ने। वो देखिए वहाँ पे जिशान खड़े हुए हैं हमारे, वो हमारी वीडियो बना रहे हैं, हम उनकी वीडियो बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। पतंगे बराबर हो रही हैं, और उधर से अभी तक मेरे ख्याल से 4 पतंग काट दिया है आपसे पहले सुशील भाई ने, वो जो आगे खड़े हैं रेड कलर टी शर्ट में। पतंग की रेंज बहुत ज़्यादा है, और धुंध भी है, तो थोड़ी सी पतंगे जो है, चलिए दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए पत्तू, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए पत्तू बाहर निकाल रहे हैं, और वो अंदर अंदर ऊंचा खींचते चले जा रहे हैं, पत्तू ऊंचा खींच रहे हैं और अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ हो गई है यहाँ पत्तू की पतंग। पत्तू ने गद्दा रखा, उन्होंने बाहर दिखाया, रोका, लगाओ ताकत, और ये काटा उनकी पतंग जो थोड़ी सी अंदर आ रही है। एक तो ये भी वजह थी, और दूसरी हवा उतनी लगी नहीं पत्तू में, और पत्तू की पतंग हो गई है ज़्यादा बढ़, तो ये सारे रीज़न थे। और सुशील भाई बढ़िया अपनी पतंगों से काटते हुए लगातार। अब क्योंकि कलर पतंगे लड़ रही है, तो पतंग को बहुत ध्यान से देखना होगा आपको, ये तो चक्कर खा रही है, इधर की तरफ आ रही है, ये पत्तू की पतंग है। अब नीचे से इनका पेच रहेगा,
पतंग देखिए चला रहे हैं, ये पत्तू की पतंग है जो पतंग चला रहे हैं। चलिए अब ओपोनेंट ऊपर से रखेगा धीरे धीरे। उधर से अब कौन लड़ा रहा है? हाँ राशिद भाई। चलिए ये देखिए नीचे नीचे बढ़ते हुए राशिद की पतंग अब ऊपर आ चुकी। काशिफ 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 है, पतंग को चलाते हुए काशिफ बाहर निकाला। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली पतंग पत्तू की बहुत ज्यादा अंदर गए हुए हैं और पत्तू की पतंग बढ़ है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखना है पत्तू की। लेफ्ट साइड वाली पतंग पत्तू की, उन्होंने गद्दा चला रोका, पत्तू ने बाहर खींचा है क्रॉस पे और गद्दा पड़ गया करारा यहाँ पे काशिफ का। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से हमारी, गद्दा रखा। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे हमारी, गद्दा रखा वो अंदर खींच रहे हैं। ये गद्दा पड़ा उसने बहुत बढ़िया गद्दा मारा है और शारिक लड़ा रहे थे उधर से। शारिक ये हमारे अच्छे भाई आ गए, हमारे अच्छे भाई, अच्छे भाई आ गए। ये पतंगे जो है पत्तू को गिफ्ट मिली है मनोज भाई की तरफ से। ये देखिए क्या जोड़ है, लेजेंडरी कारीगर हैं और लेजेंडरी कारीगर के बेटे हैं ये मनोज भाई, और इन्हीं के बेटे हैं राजेंद्र भोला जी। बहुत बढ़िया। इधर गुरु भाई पेच ले रहे हैं, हम लोग पेच देखते हैं होने जा रहे हैं तो देखते हैं। सभी खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं। अरे अच्छे भाई आ गए, हमने ले ली, आ गए अच्छे भाई, हमने ले ली, लड़ेगा तू लड़ेगा। ये राहुल भैया की जो पतंगे बन के आई है, स्टाइलिश है, शीशे में राहुल भाई की पतंग शीशे में देखे। शावेज अंसारी की पतंग है मेरठ के, बहुत ही धुरंधर कारीगर। ये पतंग दिखाते हुए खूबसूरत पतंग है, ये समझ लिए एकदम सारी के मेरठ से अभी फ्लाइट से उतरे हम लोग और एयरपोर्ट से पतंगे लेके आए। बहुत ही प्यारी पतंग है राहुल भैया की। और ये सब पतंगे सिर्फ राहुल भैया को ही मिल सकती है और किसी को मिल भी नहीं सकती है, क्योंकि शावेद भाई के पास इतना समय नहीं होता है, लेकिन राहुल भाई का बहुत बढ़िया। और नीचे दिखाइए, और भी कलर है शायद नीचे, नीचे है। अच्छा पूरे नाम वाली है, चौका है क्या वो पूरा? हाँ सही है, सही है, बहुत खूबसूरत। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं, पत्तू लेफ्ट साइड पतंग ऊपर, पतंग की रेंज 400 मीटर से ज़्यादा, वो अंदर खींच रहे। पत्तू ने बाहर का गद्दा शो किया, उन्होंने थपकी मार रहे गिराते हुए, आखिरी में पत्तू ने भी थपक लिया है पावर से, लंगा लिया था उन्होंने, बढ़िया पेज काटा है पत्तू ने थपक के। आए दोस्तों ये पेज देखते हैं, पत्तू की पतंग नीचे नीचे लेफ्ट साइड वाली दिख रही होगी आपको, मुझे तो नहीं दिख रही है। वो अंदर की तरफ शाकिर आए हैं और अंदर रखा, पत्तू ने पतंग को चलाया और रखा लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से, उन्होंने गद्दा चला, पट मारा है, उनकी पतंग उठती चली जा रही है। बहुत अच्छा आखिरी में झटके लगाए हैं, बहुत बढ़िया पेज हो गया। पूरी पतंग जो है घूम गई थी शाकिर की, शारिक की। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं, चार पेज काट चुके हैं पत्तू, पत्तू की पतंग लेफ्ट साइड, पत्तू की पतंग लेफ्ट साइड, आगे 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 आगे, छोटू भाई छोटू भाई छोटू भाई, लेफ्ट साइड वाली नीचे,
शुभम शुभम शुभम, लेफ्ट साइड नीचे से पत्तू, ठीक है, और ऊपर से लड़ा रहे हैं दानिश, दानिश अर्पित की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड नीचे पत्तू, लेफ्ट साइड नीचे पत्तू, अंदर की तरफ बड़े हुए हैं, चार पेज काट चुके हैं मेरे ख्याल से, ऊपर से गद्दा रखते हुए दानिश हल्के हाथों से अंदर की तरफ लेके आ रहे दानिश, ऊंचा किया पत्तू ने, बाहर को दिखाया उन्होंने, करीब किया, बाहर ही खींचा, रोकी पतंग, ये खींचा है पत्ता, वो खींच रहे हैं डबल, पतंग घूम के अंदर आ रही है, डोर आई नहीं, डोर आई नहीं है, फिर से पत्तू अंदर की तरफ ताकत से जाते हुए जल्दी जल्दी, देखते हैं पेज होता है कि नहीं, हाँ ठीक है, पेज फेर लिया गया, पेज फिर गया है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ऊंचा खींचा, उन्होंने गद्दा रखा, रोक के खींचा था, जब तक झोल खींचा तब तक गद्दा पड़ गया, बढ़िया पेज काटा है ओपोनेंट ने, अमन अब तक दो तीन पतंग काट चुके हैं, कितनी काट दिया अमन ने, तीन पतंग तो काट ही दिया होगा मेरे ख्याल से, क्या नाम है, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, अमन की एक सद्दी जा रही है मेरे ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे, नीचे नीचे बढ़ते हो, अपोनेंट की पतंग देखिए ऊपर, पीछे चढ़ रहे ना, लेफ्ट साइड यानी उल्टे हाथ की पतंग देखिए अमन की, अभी तक दो तीन पतंग काट दिया उन्होंने, तेज खींच रहे थे, मैं उनकी खींच की वीडियो बना रहा था, बहुत तेज खींच रहे थे, जिसे आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए अंदर की तरफ ओपोनेंट आते हुए, ये देखिए कहाँ पे बहुत ज्यादा अंदर आ गए हैं, ये देखिए यहाँ पे ओपोनेंट राइट साइड ऊपर से अमन पतंग को चला रहे हैं, वो गद्दा रख नहीं रहे, और अंदर की तरफ आते हुए अमन भी अंदर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिएगा, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखते रहे, नीचे से अमन गद्दा रखा, उन्होंने गद्दा रखा, करीब किया, इन्होंने भी बाहर क्रॉस रखा, पतंग को चलाया, कोने ने गद्दा चला, पावर लगाई है बाहर की, बहुत ही बढ़िया पेज, उनकी पतंग अंदर आ गई एक तरह से, अगर थपकी लगाते हुए बाहर निकलते तो कुछ काम बनता, अगला पेज लेने आए हमारे गुरु भाई, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, और ये पेज पे थे और पतंग टूट गई, तो इसका मतलब पेज उनको मिल गया है ओपोनेंट को, भैया कहाँ छोड़ रहे हो, एक और होगी यार, एक और पत्तू की पतंग लेफ्ट साइड ऊपर से, बाहर का गद्दा शो किया, वो अंदर खींच के झोल काटा है भाई ने, और बढ़िया लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर, बाडू भाई की लेफ्ट साइड ऊंचा ऊंचा किए हुए हैं, चप पतंग है, लेफ्ट साइड ऊपर से, और नीचे राइट साइड वाली पतंग देखिए अंदर की तरफ आते हुए जगह बना रहे हैं, बाटू भाई भी अंदर की तरफ जा रहे हैं, अंदर मतलब ओपोनेंट की तरफ जाना, ऊंचा किया, ये थपकी लगा रहे हैं, तेज थपकी लगा रहे हैं वो थपकी लगाते हुए बाहर निकल आए, बहुत ही अच्छा पेच काटा ओपोनेंट ने, शारिक सौरभ लड़ा रहे थे, मैं बार बार शारिक का नाम ले रहा था, शाकिर का, लेफ्ट साइड ऊपर से पत्तू, पांच पेज सौरभ काट चुके, पतंग को बढ़िया चलाया, ये गद्दा पड़ा, उनकी पतंग खींच रही है, बढ़िया पावर से खींचा है सौरभ ने, छह पेज काट दिए हैं, याद रखने दो सात पत्तू की तरफ से हो चुके हैं, अब छह उन्होंने काट दिए हैं, पतंग लाम बनती हुई गिरी भी थी सौरभ की, पतंग देखिए कितनी उड़ रही है आज, गजब, उधर से सातवां पेज लड़ता हुआ, पत्तू रोक रहे हैं लेफ्ट साइड पतंग को चलाते हुए, वो और अंदर की जगह बना रहे, पत्तू ने गद्दा रखा, उन्होंने खींचा, लगाया ताकत, बहुत बढ़िया, ये सात उधर से भी हो गए, दो सात के जवाब में एक साथ उधर कंप्लीट हो गए हैं, दो सात के जवाब में एक साथ उधर से हो गया है, काटा है सौरभ ने, कौन सी है बताया।
पत्तों की पतंग देखिए, नीचे से फेरेंगे। अभी इससे पहले एक पेच काटा है, उधर से एक साथ हुआ है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे से पत्तू की पतंग, बहुत ही भारी भरकम राजेंद्र भोला भाई की पतंग है। बहुत ज़्यादा अंदर जाते हुए ओपोनेंट की पतंग देखिए यहाँ पे है। गद्दा रखा ओपोनेंट ने, पत्तू ने ताकत से खींचा, वो अंदर की तरफ दिखा रहे और पत्तू की पतंग बाहर आ गई। बढ़िया पेच काटा पत्तू ने। ये पत्तू की पतंग लेफ्ट साइड ऊपर है, पत्तों की पतंग लेफ्ट साइड ऊपर, दोनों ऊपर वाली पतंगे देखिए। वो ऊंचा कर रहा है, पत्तू अंदर लेके जा रहा है, वो अंदर खींच रहा है। पत्तू ने गद्दा रखा, थपथपाया था तब तक, करंट लग गया ऐसा लगा पतंग में पत्तू के, उन्होंने भी थपथपा लिया। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, नीचे नीचे अपॉइंटमेंट बढ़ रहा है। लेफ्ट साइड वाली ये रखा हमने, उसने पतंग को चलाया, पट मारा है और बढ़िया पेच काटा ओपोनेंट ने। छोड़ू का पेज देखते हैं। ये इससे पहले एक पेज काटा इन्होंने और नीचे का पेज मिला है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ्ट साइड नीचे छोटू पट किया, उसने पतंग को चक्कर दिया। ओपोनेंट पतंग राइट साइड, वो और अंदर की तरफ आ रहा, छोटू बाहर खींच रहे हैं। उसने गद्दा चला, छोटू ने भी ऊंचा खींच के बढ़िया पेच काटा। नीचे से लड़ाते छोटू, एक बार फिर से छोटू का पेच देख रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे से छोटू, ऊपर से ओपोनेंट, लेफ्ट साइड नीचे की तरफ बढ़ते चले जा रहे छोटू छोटू छोटू। और ओपोनेंट की पतंग यहाँ पे है, ये देखिए। ठीक है, अब दोनों पतंगे दिख रही हैं आपको बढ़िया से। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखते रहिए ध्यान से। ठीक है, और ऊंचा किया छोटू ने, पतंग को चलाया, वो अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा बाहर निकाला छोटू ने, ये देखिए बाहर निकाल रहे हैं, फिर अंदर लेके जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। अब पतंग का सीज़न तो ऑन है ही है, जब तक मकर संक्रांति रहेगी तब तक, उसके बाद ऑल इंडिया सब शुरू हो जाएंगे। छोटू की पतंग अभी नीचे है, वो गद्दा रख नहीं रहे, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा कर लिया शायद, इसीलिए गद्दा नहीं रख रहे। पट करवाने को कह रहे हैं। आइए दोस्तों, छोटू का ये पेस देखते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ्ट साइड नीचे से ओपोनेंट की पतंग, उसने गद्दा रखा, थोड़ा बाहर निकाला, उन्होंने गद्दा रखा, अंदर खींचा है, थपका है यहाँ पे ओपोनेंट ने, बढ़िया जगह रोक लिया ओपोनेंट ने, और वो भी चला गया, वो भी चला गया। मंटू भाई पेज लड़ा रहे हैं लेफ्ट साइड नीचे से। ओपोनेंट की पतंग देखिए राइट साइड, कोनी के हवाएं जिस तरफ हम लोग खड़े हैं, और अंदर आया मंटू भाई ने बाहर निकाली पतंग, वो गद्दा रख रहे हैं। और अंदर आता हुआ मंटू भाई पीछे देखते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से है, उसने गद्दा अंदर उतारा, इन्होंने चक्करों पर रखा है, पट पे झटक रहे हैं और ये कट गए। बना लिए थे वीडियो। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए उल्टे हाथ की हमारी, पेज की रेन 300 मीटर के करीब, गद्दा पड़ा, गद्दा पड़ रहा है, उन्होंने अंदर को थपकी लगाई, बढ़िया पेज काटा है ओपोनेंट ने, थपथपा दिया था
अंदर को। आगे पीछे हर तरफ पतंग लड़ रही है, ये देखिए तीन पतंग एक साथ खींच रही है, वो एक लेके जा रहा है, एक ही अलग खींच रही है। अपने राहुल भैया आ गए हैं, पत्तू की पतंग देखिए लेफ्ट साइड नीचे से, पत्तू की पतंग लेफ्ट साइड नीचे से, ओपोनेंट रखा तोखा, पत्तू ने ऊंचा ऊंचा खींचा है, रोका पतंग, फिर खींचा बाहर, वो काटा, बहुत बढ़िया पेच काटा पत्तू ने। करवा चौथ में ये पतंगे गायब हो जाती है, बहुत बढ़िया खूबसूरत ये पतंगे हमने पत्तू की देखी, और आज जबरदस्त पतंग लड़ी भी पत्तू की तरफ से हुए थे, पत्तू मतलब अर्पित नाम है इनका, और पत्तू की तरफ से हुए थे 2-7 और उधर से 1-7 जो सौरभ भाई ने काटे, इधर से शुभम और अर्पित यानी पत्तू ने काटे, 18 पतंग काट दी थी ये देखिए, वाह इस पतंग से इन्होंने काटे थे 18। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, बहुत मज़ा आया आज, पत्तू के घर हम आए थे, उनके पिताजी खड़े हैं यहाँ पे, लालू भाई यहीं पे बाकी सारे मेंबर, उन्होंने क्या पतंग बाजी की है यार। हाँ हाँ हाँ, एक पतंग से 3300 उतार लाए, क्या बात है क्या बात है, वो भी कहाँ हुसैनगंज में, हमारे साले लोगों की पतंग लड़ती थी। अच्छा, दूज वाले दिन जी जी मैं पहुँच गया भैया दूज वाले दिन जी, अब वो लोग सब ऐसे ही डोरे लड़ा रहे थे, वापिस जी के आ गए, जी साहब जी, हाँ हाँ हाँ, एक एक छे की चरखी लाए और 4 पतंगे लाए थे मार। अच्छा अच्छा अच्छा, पहली दौड़ आगे शाम हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, देखने आ गए कौन आया लड़ाने नहीं तो वो तो खून में दिख रहा है, ये तो बात सही बात है, खून में दिख रहा है, खुद अच्छी पतंग लड़ाते हैं पत्तू, बहुत ही अच्छी पतंग लड़ाते हैं, हो गए होंगे यार, ये 25 लेफ्ट साइड वाली पतंग एक बार से पत्तू, अपोनेंट की पतंग अंदर आती हुई लेफ्ट साइड बाहर खींचा पत्तू ने, फिर अंदर दिखाया, ये गद्दा रखा अपोनेंट ने, पत्तू ने बाहर खींचा पावर से वो काटा। तो पत्तू मेरे बगल में है, ये देखिए बैठे हुए हैं पत्तू, और इनकी पतंग दो जो दिखा दूं मैं, ये देखिए छोटे पतंगे दिखा रहे हैं, यही सारी पतंगे आज लड़ी खूब सारी, ये देखिए खूबसूरत पतंगे, ये राहुल भैया की पतंगे दिखा रहा हूँ बार बार मैं, शाविश भाई की पतंगे, ये देखिए दिवाली, तो ये हर साल की पतंग लड़ती है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत पतंगे हैं, पूरी टीम खड़ी है, लेफ्ट साइड वाला पंचर हमारे, कैसा हुआ आज का शॉप, बढ़िया बहुत बढ़िया हुआ, ये देखिए देखिए कितनी सारी पतंगें उड़ रही हैं, आए दोस्तों पत्तू का हम देख रहे हैं तीसरा चौथा पेज, देखते हैं अभी डोर निकालने के लिए बोला जा रहा है, कोनी की हवा है जिस तरफ हम लोग खड़े हैं, यानी कि राइट साइड की तरफ हम खड़े हैं सीधे हाथ को, उधर ही हवा आ गई है, हाँ इधर आओ, पत्तू यहाँ पे खड़े हैं, चलिए ये पेज देखेंगे, ओपोनेंट की पतंग राइट साइड अंदर आती हुई, अब पत्तू ने पेज फेर दिया है, गद्दा रखा ओपोनेंट ने, फिर अंदर की तरफ लेके आ रहे, पत्तू ने ऊंचा किया पतंग को, उन्होंने गद्दा चला, पत्तू ये पेज सफर करके लाना, यारा पेज सफर करके लाओ, बस भारी पतंग है उसकी, काम खत्म, बीच से अलग कहते हैं इसे करना, और पत्तू बहुत ही पावर से खींचते हुए चपटा बाहर।
ढेर सारे ओपोनेंट्स दिख रहे हैं आपको, देखिए बहुत सारे। एक और पेज फेरने की कोशिश हो रही है, पत्तू की पतंग देखिए लेफ्ट साइड अंदर फेरते हुए, पत्तू जो है लेफ्ट साइड अंदर को ऊंचा करते हुए। पत्तू ने पतंग को ऊंचा ऊंचा करके रखा हुआ है, वो अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए जो चला रहे हैं तेज तेज, वो पत्तू की है। ठीक है, अंदर बढ़ते हुए पत्तू की पतंग आपको देखिए ऊंचा किया है। अरे रख, कौन लड़ा रहा है? सनी भाई लड़ा रहे हैं। चलिए सनी भाई नीचे लाएंगे तो पेच हो जाएगा। और अंदर आते हुए सनी भाई की पतंग देखिए राइट साइड, बिल्कुल राइट साइड वाली पतंग देखिए कॉर्नर पे। ऊंचा किया हुआ है पत्तू ने, उन्होंने गद्दा रखा, पत्तू ने पतंग को चलाया और ये झटक लिया और वो गिरी उधर ओपोनेंट की पतंग। आए दोस्तों, अगला पेज हम पत्तू का देखेंगे, ऊपर से लड़ाएंगे सौरभ जिन्होंने कमरे में है, बता दो कमरे में है। आज जिन्होंने उधर से 7 पेज काटे हैं सौरभ। पतंग नीचे वाली जो चक्कर खा रही है पत्तू की है, ओपोनेंट की पतंग देखिए राइट साइड ऊपर। मैं पत्तू के पीछे खड़ा हूँ, कहाँ है पत्तू? उधर खड़ा है, अच्छा सॉरी दूसरी छत पे खड़े हैं पत्तू। चलिए पत्तू अंदर की तरफ जगह बना रहे, ओपोनेंट काफ़ी ज़्यादा अंदर आए हुए हैं, पत्तू ऊंचा करते चले जा रहे पतंग को। ये हल्का हाथ से रखा सौरभ, उधर से एक साथ काटे हुए हैं, पत्तू इधर से एक साथ और शुभम इधर से एक साथ काटे हुए हैं। ऊंचा खींचा है पत्तू ने पत्ता, लेकिन रोका। वो और अंदर की तरफ बढ़े, पत्तू की पतंग थोड़ी बड़ होती हुई अब देखना है। गद्दा चला, पत्तू ने पावर से पहले खींचा है, लगाई पावर और बढ़िया पावरफुल अंदर ही उतार दिया शुभम ने, माफ़ कीजिएगा सौरभ ने, क्या नाम है, सौरभ ही नाम है, हाँ सौरभ ने। और ये पत्तू को रोका, बढ़िया पेच काटा है सौरभ ने। हमारी पतंग देखिए लेफ्ट साइड ऊपर, अरफात लेफ्ट साइड ऊपर अरफात लड़ा रहे हैं, वो ऊंचा खींच रहा है ओपोनेंट, ऊंचा खींच रहा है, डोर फेंका तब तक गद्दा। ओए होए क्या पेच काटा ओपोनेंट ने, ऐसा डोर फेंका कि लग रहा है गद्दा पड़ गया, लेकिन कटे नहीं थे और फिर अंदर खींचा अरफात भाई कटे। गौरव लड़ाने आए नीचे से, एक पतंग देखिए कट के जा रही है, फट के जा रही है बकायदा। ये देखिए बढ़िया गौरव की पतंग नीचे, लेफ्ट साइड नीचे से रहेंगे। पेच फेरेंगे तो पेच होगा। गौरव की पतंग लेफ्ट साइड है, यानी हमारी पतंग लेफ्ट साइड है, नीचे से चला रहे हैं। ओपोनेंट की पतंग देखिए राइट साइड ऊपर, अद्धी का शौक चल रहा है यहाँ पे, अद्धियों का पतंगबाजी। लेफ्ट साइड नीचे गौरव बाहर खींच रहे, उसने गद्दा चला, ओपोनेंट पतंग को चलाया, अंदर खींचा है पावर से, लेकिन एक थपकी मारी और गौरव कटे और उनकी पतंग तार में चली गई। लो यहाँ यही दिक्कत हो रही है, देखते हैं छूटती है कि नहीं। चली गई चली गई चली। आए दोस्तों, गुरु भाई का पेज देख रहे हैं हम लोग। गुरु भाई पेच अभी फेरे नहीं है, अब फेर दिए हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से गुरु भाई की, गद्दा रखते हुए वो नीचे कर रहे हैं। ओपोनेंट की पतंग नीचे वाली है, अंदर की तरफ लाता हुआ ओपोनेंट। गुरु भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड ऊपर, गुरु भाई की पतंग लेफ्ट साइड ऊपर, गुरु भाई की पतंग लेफ्ट साइड ऊपर, ये रखा उन्होंने करीब किया, ये और रखा
खींच रहे हो, उसने भी थपकी लगा दी। ये उठते हुए थपकना चाहते थे तब तक उनकी थपकी पड़ गई। बढ़िया पेच काटा है ओपोनेंट ने। आई दोस्तों लेफ्ट साइड वाली पतंग अब हमारी है ऊपर से और नीचे सौरभ। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए हमारी ऊपर अंदर जाते हुए थपकी लगाते हुए उठ रहे हैं। उन्होंने बलों पे छोड़ा, डोर लगी नहीं। लग गई क्या? लग गई। बढ़िया पेच काटा है और सौरभ कटे हैं ये पत्तू के बड़े भाई ने काटा हमारे। एक बार फिर से बाटू भाई नीचे से पत्तू के बड़े भाई हैं, इनका नाम भी सौरभ ही है। लेफ्ट साइड पर नीचे से बाटू वो गद्दा रखते चले जा रहे। बाटू भाई और अंदर की तरफ लेके गए, उसने चक्कर लिया, ये गद्दा मारा। बाटू भाई ने पावर से बाहर खींचा था लेकिन कम से खींच गए मुझे लगा। बढ़िया उनकी पतंग भी थोड़ी सी अंदर की थी, घूमते हुए लाम बनी। इससे पहले राहुल भैया हमारे पेच लड़ा रहे, दो पेच काटे थे, मैं उनकी खींच की वीडियो बना रहा था, उसके बाद वो कट गए तीसरे पेच पे। अब आए हैं, तीसरा पेच भी काट दिया था इसीलिए लालू भाई को नीचे का पेच मिला है। अब लालू भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड, उनके पेज की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इनके खींच की वीडियो बना रहा था। लेफ्ट साइड नीचे से लालू भाई का पेज मिला हुआ है। राइट साइड पतंग ऊपर से है, ये देखिए बिल्कुल कम करा के गद्दा मारेंगे। लालू भाई ने रोका फिर खींचा और इसी में टाइम लग गया। आइए दोस्तों ये पेज समझते हैं। फिलहाल मैं पतंग दिखाता हूँ कितनी सारी उड़ रही हैं। दिवाली के अगला दिन जो होता है लखनऊ में जमघट मनाया जाता है, ये सिर्फ पतंग के लिए दिन होता है। जमघट पतंग के लिए दिन होता है स्पेशल। ये तो एक इलाका हो गया समझ लीजिए लखनऊ में, वो जो बेल्ट है हुसैनगंज से लेते हुए फूलबाग अमीनाबाद फिर रकाबगंज चौक नखास होते हुए आप चले जाइए कैंपवेल रोड, उससे पहले ऐस बाग भी है, पूरी पतंगबाजी होती है। कैसर बाग उसमें आ गया, बीच में बहुत सारे इलाके बीच में आ गए। दुबग्गे तक पतंग बढ़िया लड़ती है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए हमारी, ओपोनेंट ने गद्दा रखा, लालू भाई ने पावर से बाहर खींचा, लंबा पेच काटा, बढ़िया नीचे से लड़ा रहे थे हमारे लालू भाई। तो देखिए देखो पतंग चेक करा रहे हैं। एक बार फिर से चेक करते हैं, ऐसे तो गिर गई जल्दी से। आइए दोस्तों पतंग सही थी, थोड़ी सी बाहर आ रही है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए फिर से लालू भाई की, लेफ्ट साइड वाली लालू भाई की पतंग लड़ा रहे हैं ओपोनेंट। ठीक है लेफ्ट साइड वाली पतंग खींचो अबे भाई डोर है पर भाई खींच लो डोर किसकी डोर है ये एक पतंग गई पीछे से कई सारी पतंगें हम लोग खींच लो सबकी पतंग चली जाएगी भाई। राहुल भैया की पतंग जो है चक्कर खा रही है, ऊंचा खींचा। चलिए पेज देखते हैं नीचे की तरफ फेरते हुए पेज। राहुल भाई
नीचे की तरफ बढ़ते हुए। एक पतंग जा रही है, ये भी चला गया। क्या हुआ, तार में आ गई? अरे दोस्तों ये पे समझिए, राहुल भैया की पतंग नीचे। ए पप्पू भाई, राहुल भाई नीचे, राहुल भाई की पतंग चक्कर खाती हुई और अंदर की तरफ लेके जाते हुए। ओपोनेंट भी चक्कर दिए जा रहा है अभी, और ऊंचा किया राहुल भैया ने, उसने ऊंचा उठा लिया, पतंग को बढ़ा रहा है। तो क्या लड़ा रहा है? कोई कोई पतंग लगी है क्या? हटा लीजिए। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग जो चक्कर खा रही है, ये हमारे राहुल भैया की अंदर की तरफ ले जा रहे हैं। ओपन एंड अंदर की तरफ बढ़ा हुआ है, बाहर निकाल रहा है फिर अंदर लेके आ रहा है। राइट साइड वाली पतंग देखिए कम करा रहा है। राहुल भैया बाहर खींच रहे हैं, उन्होंने गद्दा रखा, राहुल भैया आने दे रहे हैं, गद्दा रखा, बहुत तेज पट मारा और झटक लिया। बढ़िया पेच काटा है राहुल भैया ने, ज़बरदस्त पतंग लड़ाते हैं। तार वाला लग रहा कोई खींच रहा है, इसलिए तार वाले बहुत परेशान कर रहे हैं यहाँ पे। कहीं कहीं के तार वाले सही होते हैं, कहीं कहीं के बहुत ख़तरनाक होते हैं। चलिए देखते हैं, एक पतंग जा रही है, एक पतंग जा रही है। हटाया पतंग, हटाया, डोर कम है, डोर कम है, बच गई। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए हमारी, उसमें गद्दा रखा, हम अंदर खींच रहे हैं, वो काटा, बढ़िया पेच काटा है। यहाँ पे छोटू ने, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है छोटू, अंदर खींचा फिर दो तीन थपकी मार दी। आए दोस्तों ये पेज देखते हैं, ऊपर से हमारे हैं गुरु भाई लड़ा रहे और नीचे से हैं कौन, काशिफ शायद, लेफ्ट साइड वाली पतंग। और ये गुरु भाई की आज मुझे लग रहा है 10-12 पतंगें टूट चुकी हैं, और जो पतंग टूटी थी उनके धागा दूसरे पतंग के मांझे पे था और इन्होंने कस के रगड़ दिया, उनकी भी पतंग चली गई। ऑपनेट की पतंग नहीं है ये भाई, इधर वीडियो करिए भाई, हमारी अगेंस्ट टीम पेच नहीं दे रही, इधर से 12 पतंगें उड़ी हैं, उधर से एक भी नहीं उड़ी है, हमारे मोगली भाई पतंग नहीं दे पा रहे हैं। सबके हाथों में पतंग है, तैयार हो रही है जल्दी, कोई नहीं रहा है। पतंगे सबकी लगी हुई हैं, इधर इधर पतंगे बन रही हैं। टूट गई मेरी पतंग। अबे तावली काट दे, उधर सारे तावली काट दो।
लालू भाई देखिए पेज पे कोई पतंग नहीं है क्या? अच्छा पहले पैंट पहन जाओ, मैंने पहले शॉर्ट पहन जाओ। अमन अमन लड़ाने आए हैं, लेफ्ट साइड ऊपर अमन, नीचे ओपोनेंट, लेफ्ट साइड ऊपर अमन, गद्दा चला अमन ने, उन्होंने भर्रा फेंका है, अमन थपथपा रहे हैं, उसने आखिरी में थपकी लगाई, बढ़िया पेच काटा, बढ़िया पेच काटा ओपोनेंट ने। लालू भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड ऊपर से, ओपोनेंट पतंग यहाँ लिए हुए, अंदर खींच रहा है लालू भाई ने, बढ़िया पेच फिर से काटा ओपोनेंट ने, डोर फेंक दी थी फिर से, फिर थपक लिया, नीचे से लड़ा रहे थे ओपोनेंट। इतनी ज्यादा पतंग उड़ रही है इधर, सही से हम लोग खुद पतंग नहीं उड़ा पा रहे। मस्ती मजाक चलते हुए दोनों टीमों के बीच में। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से लालू भाई की, गद्दा मारा लालू भाई ने, उनकी पतंग उछल गई है 2 मीटर। लालू भाई नहीं लड़ा रहे थे, भैया लड़ा रहे थे पीछे वाले, वो देखिए गौरव लेफ्ट साइड नीचे नीचे से उधर नहीं है वो कोई ठड्डे तोड़ देंगे इसके, गद्दा मारा है गौरव ऊपर से लड़ा रहे थे। कितने थे ये? 7-8 थे। सब उड़ा डाले अपने, आखिरी ड्रैगन उड़ने जा रहा है ये। 440 वाट का झटका दे रहा है। आइए गौरव भाई का पेस देखते हैं अपने, गौरव नीचे से रहेंगे। गौरव की पतंग देखिए, गेंदार गेंदार गौरव लेफ्ट साइड, उन्होंने गद्दा रखा, करीब कर रहे हैं, झटके लगा रहे, दोनों झटके लगा रहे, डोर है कि नहीं? नहीं है, नहीं है, दोनों ही कलाकारी कर रहे थे। चलिए एक बार फिर से गौरव की पतंग देखिए, गेंदार ये नवीन भाई ऊपर से रखते हुए, बढ़िया खिलाड़ी, उनकी तो पतंग भी नहीं दिख रही मुझे, और वो देखिए कट गई। हाँ नीरज भाई से भी हम लोग मिले, आपने जितनी पतंगे देखी, ये जितने डग्गे उड़ रहे हैं इन्हीं के हैं, नंबर बता दीजिए एक बार फिर से नीरज भाई। 9026921022 तो ये हमारे नीरज भाई हैं, यहीं रहते हैं अय्यागंज में, रकाबगंज पड़ता है ये, और जितने भी डग्गे आपने देखे वो ड्रैगन वाले और जितने भी वो सब इन्होंने ही बनाए, खूबसूरत डग्गे, दोनों टीम के आप ही बनाए, दोनों ही टीम के डग्गे यही बनाते हैं, खूबसूरत कलरफुल पतंगे। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से हमारे, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से, उसने गद्दा रखा, पट मारा है लेकिन उससे पहले गद्दा पड़ गया। गुरु भाई का पेज देखते हैं, कट गए गुरु भाई हमारे, कोई बात, अगला पेच हमारे भाई लेने आए, एक्स
पहले इस पे चढ़ी ना मेरे को गाइस, दो पतंग उधर की है देख ले तो पहले। ये देखिए सफेद नारंगी पतंग, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए हमारी रखा, ओपोनेंट की पतंग राइट साइड, ये गद्दा मारा वो अंदर खींच रहा है, ये देखिए गद्दा थोड़ा सा अंदर चला गया बाहर जाने की बजाय, बढ़िया गद्दा मारा है भाई ने। अरे दोस्तों राहुल भैया हमारे तीन पेज काट चुके हैं नीचे से, जगह बदल ली है, दूसरी जगह है, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से राहुल भाई, ये देखिए यहाँ खड़े हैं, लेफ्ट साइड नीचे अपोनेंट राइट साइड, चक्कर दिया राहुल भैया ने, मैं आगे हो जाता हूँ थोड़ा सा। लेफ्ट साइड गद्दा रखा, खड़ा खींच के वो काटा, बैंकर खींचेंगे आप। आए दोस्तों राहुल भैया, राहुल भाई एक पतंग देखिए लेफ्ट साइड नीचे नीचे, बढ़िया पेज काट रहे हैं लगातार, बढ़िया खींच की वीडियो इनके देख सकते हैं इंस्टाग्राम ऑफिशियल गाइड कल्चर पे, बाहर खींच रहे हैं, अपोनेंट काफी ज्यादा उतार के लेके आ रहा है, ये राहुल भैया आप क्या करेंगे, उसने गद्दा चला लेट कर गए, यहाँ लेट हो गए पतंग भी पड़ो। चलिए अगला पेज पत्तू का देखेंगे, लालू भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड, पतंग को चला के अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, ये रखा उसने ऊंचा खींचा, इन्होंने थपकी लगाई, बहुत बढ़िया पेच काटा है, अब काटा है, पहले नहीं कटे थे, दूर फेंक दिया था ओपोनेंट ने। ये खूबसूरत डग्गे आप देख रहे हैं यहाँ पे, राहुल भैया हमारे साथ हैं, गुरु भाई हैं हमारे साथ, हाँ 20 का नोट ओरिजिनल है, ये भीम काइट क्लब की ये पतंगे हैं, छोटू भाई हमारे जो है पतंगों को नीचे रख रहे हैं जिससे कि आप सभी देख सकें, ये देखिए क्या खूबसूरत पतंग है, वाह बहुत बढ़िया, हाँ पत्तू के ये बॉक्स जो है मुझे लग रहा है 20-50 साल पुराने बॉक्सेस हैं, लेकिन इस पे पतंगे देखिए अलग से बनवा रखे हो है ना। तो ये हम डग्गे देख रहे हैं जो लड़ते हैं इनके, उनके पिताजी भी हमारे साथ बने हुए हैं, ये देखिए खूबसूरत राजेंद्र भोला भाई की पतंगे, बहुत ही खूबसूरत पतंगे, ये जितनी खूबसूरत है उतनी महंगी भी पतंगे हैं ये सब। और आपका क्या स्कोर है जनाब? ये देखिए, अरे शुरू में आके लड़ा लिया, बहुत सही टाइम, बहुत बढ़िया पतंगे, इसमें दिखाइए, इसमें दिखाइए पत्तू, लगातार हम लोग को पतंगे दिखा रहे हैं अपनी खूबसूरत खूबसूरत, ये देखिए ये पतंग देखिए कितनी प्यारी है कलर, इसे कहते हैं डग्गा लखनऊ में, ऐसे हम लोग पुछियल कहते हैं बचपन से, लेकिन असल नाम इसका होता है डग्गा, ये देखिए सबसे बड़ी मजोली साइज की है ना, हाँ ये देखिए, हाँ मजोली ही है बिल्कुल, खूबसूरत पतंग है। ये देखिए पतंग देखिए बस आप, मजेदार